छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। और अराजकता करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूमे लगता है, खाएगा क्या लड़का? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को भेज दीजिएगा, युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकौड़ा तलने दीजिएगा अच्छा लगता है? बताइए ग्रेजुएशन क्यों किए, ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि पचमा को पचमा तक पढ़ो उसके बाद पकौड़ा तलो, हम लोग पचमे तक पढ़ते पकौड़ा तलते, कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूँ लगता है पकौड़ा में, हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? अभी अश्विनी वैष्णव जी आए बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत ही बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले एक सरकार में बहुत कम गिरती थी, इसका मतलब पहले एक सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा, नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। हम लोग छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द, आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर भूखा सोना पड़ा, कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना दो गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं, ऐसा स्थिति आ गया। आपको नहीं पता होगा सर, अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों का मकान मालिक जब लॉकडाउन लगा एक रुपया भी नहीं छोड़ा, और तो बोला कि डॉक्यूमेंट रूम में था, तो बोला डॉक्यूमेंट को जला देंगे, नहीं तुम लोग जाओ जहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कैसे कैसे घर से जमीन बेच के पढ़े हुए हैं, मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूमे लगता है, खाएगा क्या लड़का, मेरा क्या करेगा, वो लड़का कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ सरकार क्या करती है, ये बेच दो वो बेच दो, कहाँ से आप कहीं से लेकर आए थे, खरीद के लाए थे, काज बेच रहे हैं? प्राइवेट रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को भेज दीजिएगा, युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवा का संगठन पता नहीं है, जो भी क्रांति हुआ है अगर उसमें युवा भाग ले लिया है समझिए वो क्रांति बहुत लंबा गई है, ये छोटा मोटा क्रांति नहीं जाएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको रोक के कहूंगा, क्या सड़क पर उतरना, पत्थर फेंकना, अराजकता करना, एक मिनट यार बात पूरी तो करने दो, सड़क पर उतरना, पत्थर फेंकना, अराजकता करना, रेल की पटरी उखाड़ देना, क्या इस सबसे नौकरी मिलेगी? बिल्कुल सर, इसका हम जवाब देते हैं, आप जो पूछे सर उसका एक एक जवाब देंगे और सब सही देंगे। आपने बोला कि रोड पर उतरना, पहले बात हम लोग 10 दिन आप डेट जोड़ दीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आया, 24 तारीख तक हम लोग डिजिटल प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट किए, 1 मिलियन ट्वीट किए हैं हम लोग, 9 मिलियन, 1 करोड़ से ऊपर हम लोग ट्वीट किए हैं। इतना बेरोजगार है आपके देश में, इतना ट्वीट किया आपने सुना क्या? बहरा दूसरे दिन जब हम लोग सेल हम कह रहे थे क्या रेलवे मिनिस्टर को, आप लोग हम लोगों को सेव कीजिए, मतलब हम लोगों को रक्षा कीजिए, तो क्या किया, हैशटैग ही को ब्लॉक कर दिया, हैशटैग कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोड पर आए, आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि 24 तारीख को जो रोड पर लड़का आया राजेंद्र नगर टर्मिनल में, पहली क्रांति जो पटना से हुआ राजेंद्र नगर टर्मिनल की धरती से, ये पुण्य धरती से, उसमें कोई भी स्टूडेंट एक पत्थर ना चलाया, पुलिस प्रशासन इतना मार मारा है, हाथ पैर फाड़ दिया लड़का का, बहुत सारा लड़का अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है, बहुत सारा का चप्पल वहाँ 100 रुपया में चप्पल आता है, सरकार को पता होना चाहिए 100 रुपया में चप्पल आता है, बच्चा उसको है ना दो साल साठ के पिनता है फेविकुक से, सिला के पिनता, वो सब छोड़ के वहाँ से लड़का आया। आप बोले कि अराजकता करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे, जान ले लीजिए। अराजकता वाला बात जो बोले, कोई स्टूडेंट अगर अराजकता कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कर नहीं रहा, आपने उसको करने के लिए हुक्सा रहे हैं कि तुम अराजकता करो, ट्रेन को जलाओ, 10,000 का क्षति होगा, 1 अरब रुपया दिखा देंगे, सब रुपया जेबा में धर के मस्त मगन हो जाएंगे। कोई लड़का जबरदस्ती करवाइएगा तो होगा ही, कोई लड़का अपना से नहीं कर रहा है। जितना आपने सवाल पूछा उसका सब एक ही तौर है, सरकार निकम्मी हो गई है।
इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। वो बोल रहे हैं 1,27,00,000 फॉर्म गिरा। आप 2019 में फॉर्म गिराए और 2023 हो गया। अरे कुछ नहीं है सर, एक लाइन समझिए, एक लाइन समझिए इसमें सर। वैकेंसी को टाल के 24 में रिजल्ट दे देंगे, कहेंगे हमने 1,00,000 दिया है वैकेंसी। छाती पीट पीट के स्टूडेंट का छाती को रगड़ के आटा पीस देंगे। हम लोगों का आटा पीसने को छाती पर चढ़ के वो सोच लिए सरकार, और कुछ नहीं सोची है सरकार। हम लोगों को बेच देगी जिस तरह रेलवे बेच रही है ना, हम लोगों का किडनी निकाल लेगी, एक दिना फेफड़ा, एक दिना गुर्दा, हृदय उर्दय सब निकाल के बेच देगी, वैक्यूम क्लीनर सब निकाल के बेच देगी। और उसको क्या बोलेगी, तुम लोग को तो हम रोजगार दे रहे हैं, किडनी फैल है, रोजगार दे रहे हैं आपको। सर हम किसान आंदोलन पर भी हम एक बार चर्चा करते हैं, कहा कि मेरे पिताजी खुद किसान हैं, हम किसान आंदोलन पर पढ़ते हैं। ठहर गए, रुको ठहरो थोड़ा, मतलब बहुत आक्रोशित होकर बोल रहे हो और शांत हो गए। मुझे ये बताओ, अगर तुम डिसीजन मेकिंग में होते, तुम निर्णय ले रहे होते, तो मौजूदा संकट जो तुम्हारे सामने है इसका क्या समाधान सुझाते? सर हम एक ही कहते हैं, अगर हम जैसे हमको अगर अभी बना दिया जाए रेल मिनिस्टर, लड़का जो ट्वीट किया है मिलियन में गया है, बिलियन समझ जाइए सर, हम एक बार जरूर लड़का के प्रतिनिधि से बात करते कि एक मिलियन बिलियन में चले जाना ट्वीट, कुछ तो बात होगा। लड़का की क्या समस्या है? जब लड़का रोड पर आया तब मिनिस्टर साहब रोड पर आए, तब मीडिया पर आए, नहीं तो वो तो पान खा के गुटखा खा के बस संसदीय में थूक रहे हैं। काहे संसद को गंदा कर देना, नया संसद में जाना है। हम लोगों के बारे में तो सोचबे नहीं किए, वो हम रहते तो जरूर सोचते। अगर लड़का बोल रहा है तो जिन्हें नहीं बोल रहा है उसके बारे में एक बार जिस अभी अभी क्या किए, 5 गो का तुरंत गठन कर दिए और बोले का रिजल्ट दीजिएगा यूपी चुनाव के बाद, अभी मत दीजिएगा, अभी दीजिएगा फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, रिजल्ट दीजिएगा बाद में, तब ना मजा आएगा, तब जो करना होगा करेंगे। 5 मिनट का सर, आप सब समझदार, हम लोग ग्रेजुएट लड़का है सर, 5 मिनट का बात आप ऐसे कर सकते हैं। आप कहते ठीक है हम लोगों से गलती हो गई है, इसमें कोई निर्णय लेना नहीं है, स्टूडेंट का मांग है, जेन्युइन मांग, 20 गुना अगर मान के चलते हैं सर, 20 गुना रिजल्ट दे देते हैं, मान के चलिए दे देते हैं, 3 लाख बढ़ेगा लड़का, और क्या हो जाएगा, 2 दिन एग्जाम बढ़ेगा, ग्रुप डी हमको नहीं लेना, IAS ऑफिसर बनाना है, दौड़ कर दीजिए सर, पायलट वाला भी बना दीजिए कि तुम लोगों को छत पर से कुदाएंगे, 20 महला छत पर से कुदाएंगे, अब वहां से हवा आपका ला करना, तुमको एयरफोर्स भी वाला भी नौकरी देंगे सर। ग्रुप डी है, झाड़ू करवाना है कि क्या करवाना है, झाड़ू लगवाना है झाड़ू वाला काम करवाइए। ग्रुप डी की नौकरी में क्या करना होता है? ग्रुप डी में सर, ग्रुप डी का नाम ही बोल के आप बता देते हैं कि ग्रुप डी में क्या करना पड़ता है। ग्रुप किस क्या करने की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोगों को तैयारी नहीं सर, हम लोगों को कोई ऐसा रोजगार दे दीजिए जो कि हम लोग जेन्युइनली में, अगर जैसे सर आप लोगों को पता होना चाहिए सर, कोरोना काल में जितना भी जॉब वाला आदमी था उसी का पेट भरा, नहीं तो सब लोग भूखा सोया है, हम लोग भी भूखा सोए हैं कोरोना काल में सर, क्योंकि हम लोगों के पिताजी हैं जो एक किसान है, फार्मर है, कोई जॉब वाला नहीं है, जितना जॉब वाला था वही पेट भर के सोया है। हम लोगों को पेट भर के सोने के लिए सर आप लोग कुछ कृपा कीजिए, सरकार में बैठाए हैं, युवा वोट दिया है आप लोगों को, 2 करोड़ कह के आपको सत्ता पर बैठाए, 1-2 नहीं वोट दिए, 300 दिए संसद में, जो करना है कर दीजिए, इसका मतलब कुछ छो कर देंगे, तुमको भी बेच देंगे, हम लोगों को बेच दिए। ताना साह सरकार आज, हम लोग जो एक्सपेक्टेड किए देते मोदी से, हम अभी भी यहाँ जोर से मोदी जी से विनती करते हैं, आप स्टूडेंट के बारे में कम से कम सोचिए। आप साल में 5 मिनट स्टूडेंट के कोई प्रतिनिधि से, टीचर से सलाह लीजिए कि विद्यार्थी को क्या है।